सईदना उमर की शहादत यकम मुहर्रम को नहीं हुई। अहले सुन्नत की मेन तीन किताबें मेन स्ट्रीम की जो सहाबा कराम के हालात व वाकयात पर लिखी गई हैं, नंबर वन इमाम इब्न अब्दुल बर की किताब है अल इस्तियाब, उसको खोल के आप सईदना उमर का चैप्टर पढ़ लें। दूसरी किताब उसूदुल गाबा इमाम इब्न अथीर अल मुतवफ़ा 630 हिजरी, वो पढ़ लें, और उसकी शरह लिखी इब्न हजर अस्कलानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी अल इसाबा। ये 8000 सहाबा के हालात ज़िंदगी उर्दू में भी आ चुके हैं, अल इसाबा का तर्जमा हो चुका है, उसमें जाके सईदना उमर की शहादत का चैप्टर पढ़ लें। तो खुद वो आइमा ये कह रहे हैं कि सईदना उस्मान की बैत भी मुहर्रम से पहले जुलहिज्जा के महीने में हो चुकी थी, और बुखारी में आता है कि वो 3 दिन के बाद हुई थी। तो सईदना उमर की शहादत है 26 जुलहिज्जा 23 हिजरी। इवन गूगल में जाके लिखें हाफिज़ाहुल्लाह ताला, उसमें 26 जुलहिज्जा लिखी हुई है, और वो सुन्नियों का बनाया हुआ पेज है। ये तो यहां पे खवारिज पार्टी ने आपको तक यकम मुहर्रम के जुलूस भी निकालने शुरू कर दिए, रबीउल अव्वल के जुलूस बिदत, यकम मुहर्रम का सुन्नत। तो नबी इस्लाम की अजमत से ज्यादा फिर इनको ना सईदना उमर की अजमत से को लेना देना ना नबी इस्लाम की। इनका मसला वही टसल है, चंदे सुन्निशिया कन्फ्लिक्ट, फिरका वारियत, ये है इनका मकसद, इनको कोई नहीं। तो ये बिल्कुल कोई साबित नहीं है। जुलहिज्जा के आखिरी हफ्ते में सईदना उमर की शहादत हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर क्लिप भी अपलोड कर दिया था, सईदना उमर की शान में भी क्लिप अपलोड किए हुए हैं फेसबुक पे भी, इन दिनों में दोबारा उसको रिपीट किया, वो आप देख लीजिए। ठीक हो गया।